रोशन पर प्रणय है 9 स्ट्राइक गेंद पर। गेंदबाजी के लिए अमय मापारी है गेंद लेके तैयार, तेज गति की गेंदबाज ये चले राइट आर्म, राइट आर्म और द विकेट, अंदर आती हुई गेंद को बैक टू द बॉलर खेला और कोई नुकसान नहीं, कोई नहीं, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद के साथ एक सटीक निशाने पर गेंद को डालते हुए अमय पहली ओवर की पहली गेंद। दूसरी बार अपनी ऑलिंग बार पर ऑफ स्टंप से बाहर निकलते हुए गेंद को शॉर्ट गति तेज गति की गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद थी। समझ नहीं पाए बल्लेबाज, निश्चित रूप से एक दबाव बनाते हुए बल्लेबाज रोशन के ऊपर ये तेज गति की गेंदबाज, और शुरुआती ओवर विकेट की तलाश में जरूर रहेंगे अमरावती के गेंदबाज क्योंकि घरेलू समर्थन भी काफी बढ़िया। और बैक टू द बॉलर खेला था, अपने फॉलो थ्रू में खुद फील्ड करने की कोशिश की लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाए, लेकिन जो कि लॉन्ग ऑन पर जो फील्डिंग कर रहे थे मिड ऑफ पर उस खिलाड़ी ने बढ़िया फील्डिंग का परिचय देते हुए किसी भी संभावना को खत्म किया। रन बनाने की जो संभावना थी स्कोर बनाने के से अभी भी नहीं बना पाए है, रन बनाने का सिलसिला शुरू करना है बल्लेबाजों को। खेल दिया इसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक रन के लिए, रोशन के बल्ले से निकलता पहला रन और साथ ही टीम का भी खाता खुला। अच्छी गेंदबाजी इस पहले ओवर में, और यही होता है जब भी फाइनल का मैच चलता है ना, दोनों ही टीमें शुरुआती वो दौर में दबाव में रहती है, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश। और गेंद और बल्ले का कैच हवा में है, फील्डर नीचे गेंद के नीचे कैच नहीं दे पाए और एक जीवनदान जीता हुआ। थैंक यू डीजे, साउंड साउंड, काफी बढ़िया शॉट मारा था प्रणय ने, थोड़ी सी हवा में थी कुछ देर गेंद और जीवनदान मिला उन्हें। इसी बीच बैट्समैन ने एक रन कंप्लीट किया, पहले ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। थोड़ी सी शॉर्ट पिच और थोड़ी बाहर जाती है गेंद को एम्पायर ने वाइट करार दिया मापारी द्वारा। बहुत ही सटीक गेंदबाजी पहले ओवर, अगली गेंद मापारी तैयार, बहुत बढ़िया गेंद और उतना ही जबरदस्त शॉट देखने में, प्लेयर नीचे बॉल और दो जी, कहीं ना कहीं ये अतिरिक्त दबाव होता है खिलाड़ियों पर क्योंकि अतिरिक्त दबाव में जो खिलाड़ी है ना अपना स्वाभाविक खेल खेल नहीं पाते, चाहे वो बल्लेबाज हो गेंदबाज हो चाहे वो फील्डर ही क्यों ना हो। अमरावती टीम के लिए ये दोनों कैच मैं के साबित बहुत भारी पड़ सकते हैं आगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, जिस तरह से कैच है आसान कैच था, ये भी निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए था। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीटेक आधुनिक शक्तिशाली जैविक उत्पादक है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, सूक्ष्म आसान होता नहीं है लेकिन मैच जो है ना ये आसान होने वाला नहीं है। खरगोज पिकाच्या उत्पन्नासाठी बायो स्टिम्युलेंट मेरे साथी कमेंट से विनंती करूंगा कि स्कोर कार्ड पेश किया जाए। पहले ओवर में 4 रन बिना कोई नुकसान, निश्चित रूप से
जीवन दान मिल चुका है बल्लेबाज को, दोनों जीवन दोनों बल्लेबाज को एक एक जीवन दान मिल चुका है ऐसा बोले। और कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव होगा फील्डर पर, जिस तरह से कैचेस छोड़े गए है ना कहीं खामियाजा जो है वो अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन तेज गति के गेंदबाज आए, नए गेंदबाज अर्जुन भंडारी। अर्जुन भंडारी बहुत ही बढ़िया बॉल डाला है और उतनी जबरदस्त फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं। अर्जुन भंडारी जो धामनगांव के बालाजी कृषि केंद्र के भांजे है, काफी सटीक गेंदबाजी करते हैं अर्जुन भंडारी। अपना पहला ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार अमरावती फास्टर की ओर से। बहुत ही बढ़िया संघर्षपूर्ण मुकाबला फाइनल मैच का। और बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, चार रन। और इसी के साथ में आठ रन। बहुत ही धैर्यपूर्वक खेलते हुए और इसी बीच थोड़ा सा रन लेना चाहते थे और कोई रिस्क नहीं लिया उन्होंने बनाना ब्लास्टर ने। और इसी तरह की ऑफ स्टाम्प अटैकिंग रखे हुए अर्जुन भंडारी। और एक बार फिर वही सेम शॉट, सेम स्पॉट पर डाली हुई गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया फील्डिंग। स्कोर अभी भी आठ रन बिना किसी नुकसान के। और थोड़ी सी ना भाई ना, अब ये कर नहीं सकते, अतिरिक्त रन दे दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। और उठा के मारा है, देखना है वापस गेंद दो प्लेयर के बीच में टप्पा खा के सीधी मिड ऑन की तरफ जाती है। गेंद को उन्होंने रोक के वापस, और यहाँ पे कोई टीम जो कट चुकी है उनकी तरफ से कुछ लूज कमेंट आते हुए, साजी का वो चीज। और बेहतरीन शॉट, एक बार भी क्लासिक शॉट देखने मिला बनाना ब्लास्टर जलगांव की ओर से। बहुत ही बढ़िया शॉट। और इसी के साथ मेरे ख्याल से दूसरे ओवर की समाप्ति। स्कोर 14 रन बिना कोई नुकसान, 14 रन बिना किसी विकेट के, बिना किसी नुकसान के, बेहतरीन शॉट। और हर एक जो शॉट निकलेंगे ना सर बल्ले से, ये गेंदबाजी सर को चुपता रहेगा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों को जो जीवन दान दे चुके हैं। और शानदार बल्लेबाज है प्रणय और जो रोशन बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो पिछले ओवर में 64 रनों की साझेदारी की थी दोनों बल्लेबाजों ने जो सेमीफाइनल मैच खेला गया था। कहीं ना कहीं उस बल्लेबाजी का आत्मविश्वास जरूर मिलेगा इस मैच में भी, क्योंकि दोनों को एक एक मौका मिल चुका है। लेकिन अमरावती को अब मौका बनाना होगा, कैच लेने होंगे। सबसे पहले जो है ना फाइनल मैच अगर जीतना है तो मैच बनाना पड़ेगा। मैच आप तभी मोपारी अपनी जीत सकते हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद, पूरा फायदा उठाया, देखना है कैच हो सकता है। बहुत ही कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच। और अमरावती ब्लास्टर को अगर मैच बने रहना है, बहुत ही जबरदस्त कैच। मेरे ख्याल से ये कैच तो टूर्नामेंट का कैच होना चाहिए अभी तक का, बहुत उम्दा कैच। थोड़ा सा लेट किया उन्होंने कैच पकड़ने के बाद में, फाइव स्पीड पकड़ते हुए, बहुत ही बेहतरीन कैच सबका। पहला झटका बनाना ब्लास्टर को, जलगांव को। बहुत बेहतरीन सागर धारा, बहुत बेहतरीन कैच, पूरा
टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच लिया समझो अभी तक का। बिल्कुल, और इसी तरह के मैच कैच मैच बना देंगे। बिल्कुल तारीफ करनी होगी प्रीतम, लेकिन अब एक साझेदार है सागर डेरे थे वहां पर, लेकिन अब रोशन के कंधों पर, प्रणय के कंधों पर माफ कीजिएगा वो जिम्मेदारी है। एक सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए प्रणय को, अमरावती के लिए जरूरी है कि विकेट जो है दबाव बरकरार रखे बल्लेबाजों पर। जितने भी शॉट खेले ना बल्लेबाजों ने वो हवा में खेले, कहीं ना कहीं जो हवा में शॉट खेले है शॉट से बचना होगा। बाहर के प्लेयर कृपया बनाना ब्लास्टर के प्लेयर ग्राउंड में न जाए, एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन रहेगा, आप कृपया बाहर आ जाओ। बनाना ब्लास्टर संघ कोणता खेळाडू आत मध्ये जाणार नाही, मैच सुरू है, आप कृपया बीच में मत जाइए। दोनों टीम के प्लेयरों से विनती है, हाँ ग्राउंड में न जाए। दोनों टीम की सहमति से मैच शुरू होगा, कृपया आप ग्राउंड में मत जाइए। डिसिजन घेतील मित्रांना विनंती आहे अंपायर आणि कॅप्टन बघतील। भैया हॅलो बारी के दो प्लेयर ग्राउंड में वो भी डिसीजन ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीटेक जीआरएच इलाइट या मध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रो न्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप, भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएच इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचे इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन एग्रीटेक जीआरएचे इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। स्कोर अभी भी बढ़िया शॉट मारा है सीधा चार रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। जैसी पिछली हुई गेंद देखी राइट लेग क्षेत्र से बाहर भेजा था उस गेंद को चार रनों के लिए। स्कोर 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 बताइए। स्कोर है 6 है भैया, ये स्कोर एक पर। हाँ स्कोर प्लीज 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर में खेल चलता हुआ जैसे शॉर्ट पिच गेंद देखी प्रणय ने स्विंग कर दिया था गेंद को 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 20 रन। एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला शॉट निश्चित अगली गेंद लेके मापारी राइट आर्म ओवर द विकेट एक आशय भरी निकाल से देखते हुए अंपायर की तरफ देखे अंपायर से मस्त नहीं निश्चित रूप से नियमानुसार डाली हुई गेंद कोई रन कोई नुकसान नहीं स्कोर पर से छूते हुए निकल गई एक विकेट। अच्छा
और बहुत ही बेहतरीन शॉट वापस से, एक रन से संतोष करना पड़ेगा बनाना ब्लास्टर जलगांव को। काफी संघर्षपूर्ण का मुकाबला फाइनल मैच का यहाँ पे, दोनों टीमों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन चालू है। और बढ़िया वापस से एक रन चुरा लिया प्लेयर बैट्समैन ने, स्ट्राइक प्रणय के हाथ में। तो जिस प्रकार से खेल चल रहा है, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमे गति की गेंद, ऑफ स्टंप को पकड़ कर इस गेंद को किया था, लेकिन बल्लेबाज जो चतुराई के साथ बल्लेबाजी करते हुए ढीले हाथों से खेला था एक रन के लिए। इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता 23 एक विकेट के नुकसान पर। एक जो फाइनल मैच खेला जा रहा है और एक रोमांच जो देखने आए हैं लोग, उस रोमांच जरूर चरम सीमा पर पहुंचता हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर है 23 एक विकेट के नुकसान पर। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीटेक जीआरए जी एक्सप्रेस प्लस हे आधुनिक युगाचे आधुनिक शक्तिशाली जैविक उत्पादक आहे। एक्सप्रेसचा वापर केल्याने तत्काळ लक्षणीय बदल आढळतात व झाडांची जोमदार वाढ होते। अन्नखते व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन अधिक उत्पन्न मिळते। फुले व फांद्यांची वाढ भरपूर प्रमाणात होऊन फळांमध्ये रूपांतर करते। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरए चे एक्सप्रेस प्लस। बायो स्टिम्युलेंट म्हणजे फक्त जीआरए चे एक्सप्रेस प्लस। प्रणय स्कोर 23 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद में। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ, अर्जुन अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेके तैयार। और उठा के मारा है सीधा पवेलियन में, देखना है हमारे सर के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद। भैया बहुत ही बढ़िया शॉट मारा था बैट्समैन ने, पूरा अपने ऊपर से टेंशन हल्का करते हुए 6 रनों के लिए पवेलियन में शॉट मारा बैट्समैन ने। और स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, बढ़िया शॉट मारा था प्रणय ने। बहुत ही बढ़िया शॉट मारा था अर्जुन भंडारी की पहली गेंद पे, 6 रनों के लिए मारा था गेम सीमा रेखा के बाहर प्रणय द्वारा। अर्जुन भंडारी जो खुद का दूसरा ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। और बहुत ही बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डाल के एक रन चुरा लिया एकदम अर्जुन भंडारी, खुद ने जाके फील्ड करके। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन एक विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन कैच लपका था डेरे ने। और उठा के मारा है, देखना है प्लेयर अर्जुन भंडारी खुद कटन बोल का। और तीसरी कैच ड्रॉप टूर्नामेंट की, काफी हद तक बॉल के नीचे आ गए थे अर्जुन भंडारी।
बॉल पलट रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद अर्जुन भंडारी द्वारा, और इसी बीच दोनों बैट्समैन ने एक रन कंप्लीट किया। अभी तक के तीन कैच छूटे ग्राउंड में अमरावती ब्लास्टर की ओर से। और शायद एम्पायर का इशारा, बैट से लकी गेंद गई और एक रन। चौथे ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार अर्जुन भंडारी प्रणय को, और उठा के मारा प्रणय ने। देखना है गेंद चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ में चार ओवर की समाप्ति। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। स्कोर चार षटक समाप्त होता है। चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 37 धावा। शिवाय कृषी रसायने बरोबर यांची कोणतीही प्रक्रिया होत नाही, पण परिणामकारकता मात्र नक्की वाढते। जो की काफी बेहतरीन ऑलराउंडर अमरावती टीम के। इसके पहले की मैच भी कविश ने काफी अच्छी बैटिंग किया। ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं कविश, पांच टीम की पांचवे ओवर की और खुद के पहले ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। कविशा नए गेंदबाज राइट आर्म दिमाग से डाली सुजोत के लिए, थोड़ा सा बैट्समैन को मालूम ही नहीं बॉल किधर निकला है। बढ़िया बॉल डाला था कविश ने, और बैट्समैन भी उतनी जबरदस्त उनको रिस्पॉन्स देते हुए प्लेसमेंट करते हुए, और एक पूरा समर्थन दिया बैट्समैन ने। और जिस प्रकार से वीडी का वो कैच छूटा था उसके बाद एक समझदारी का परिचय देते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन, चलता हुआ पारी का पांचवा ओवर। इस बार निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया गेंद, और इसी साथ थोड़ी सी स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को एम्पायर ने वाइड दिया है, जो कि बहुत सही डिसीजन है। कविश काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए यहाँ पे फाइनल मुकाबला। और इसी साथ में बहुत ही बढ़िया शॉट था, पर रन लेने का कोई मौका नहीं। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई थी शॉट थर्डमैन की तरफ एक रन के लिए, लेकिन जो मौका था वो नहीं बना पाए दोनों ही बल्लेबाज एक रन बनाने का। स्कोर हुए 38 रनों पर रुका हुआ। कविश अपने टीम के लिए काफी जबरदस्त बॉलिंग डालते हुए। और थोड़ा सा हवे में पहली शायद बैट्समैन ने बैट खेल दिया था, स्लो गेंद डाला था कविश ने दिमाग से, और बढ़िया बैटिंग करते हुए दोनों बैट्समैन यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, शॉर्ट पिच गेंद थी, धीमी गति की गेंद, पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज, और वीडी एक दबाव में थोड़े से दबाव महसूस करते हुए उस दबाव से निकलना होगा, और उसके लिए अटैक सबसे बढ़िया डिफेंस होता है। बहुत बढ़िया गेंद, पूरी तरह से बीट किया, बहुत ही सटीक गेंदबाजी। पहली गेंद स्लो डाला, दूसरी गेंद एकदम पेस 130-35 की स्पीड से डाली हुई गेंद। बैट्समैन का बल्ला बाद में, बॉल पहले निकल चुका विकेट कीपर अमोल सेठे के दस्ताने में, कोई रन नहीं। कविश अपने अगली गेंद डालने के लिए तैयार। एक बार फिर
शिवाजी दादा देशमुख इनका समर्थन करते हुए और अंकुश चार से ये दोनों कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मैच का आनंद लेते हुए बढ़िया पैर पे मारा था गेंद कविश ने समझदारी के साथ में पांचवें ओवर की शायद अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार कविश प्रणय को प्रणय काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे बनाना ब्लास्टर जलगांव की ओर से बढ़िया एक शॉट मारा था 6 रन का पवेलियन में प्रणय निश्चित रूप से एक बढ़िया मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच और गेंद और बल्ले का काफी अच्छा संघर्ष देखने को मिल रहा है जिस रोमांच के साथ जिस रोमांच आए थे उसी रोमांच के साथ मैच चलता हुआ 5 ओवर की समाप्ति स्कोर स्कोर बताइए 5 ओवरों के बाद 39 एक विकेट के नुकसान पर यहां से जलगांव बनाना ब्लास्टर को टुकड़ों में खेलना होगा यानी कि इसके बाद लगातार 2 ओवरों में अटैक कीजिए आप उसके बाद दो दो ओवरों में और अमराज के लिए जरूरी है कि प्रणय का विकेट लेना मेरे साथी कमेंटेटर आवाज मेरे साथी कमेंटेटर ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीटेक जीआरएच ह्यूमिड डायमंड हे नैनो टेक्नोलॉजी ने बनवलेले उत्पादक आहे ह्यूमिड डायमंड चा वापर केल्याने पांढऱ्या मुळांच्या व हरित द्रव्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन पिकांमध्ये प्रतिकात्मक शक्ती वाढते पाने फळे भाजीपाला यांचा रंग टवटवीतपणा व चव यामध्ये सुधारणा होते अंकुरण्याची गती वाढवून उगवणं जलद आणि एकसारखं होण्यास मदत होते भरघोस पिकांच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे ह्युमिड डायमंड ह्युमिक 98 म्हणजे फक्त जीआरएचे ह्युमिड डायमंड खतरनाक बल्लेबाज है अगर प्रणय आखिर तक खेलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीटेक जीआरए जी एक्सप्रेस प्लस हे आधुनिक युगाचे आधुनिक शक्तिशाली जैविक उत्पादक आहे एक्सप्रेसचा वापर केल्याने तत्काळ लक्षणीय बदल आढळतात व झाडांची जोरदार वाढ होते अन्न खते व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन अधिक उत्पन्न मिळते फुले व फांद्यांची वाढ भरपूर प्रमाणात होऊन फळांमध्ये रूपांतर करते भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरए जी एक्सप्रेस प्लस तत्काळ लक्षणीय बदल आढळतात व झाडांची जोमदार वाढ होते अन्न खते व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन अधिक उत्पन्न मिळते फुले व फांद्यांची वाढ भरपूर प्रमाणात होऊन फळांमध्ये रूपांतर करते भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे एक्सप्रेस प्लस बायोस्टिम्युलेंट म्हणजे फक्त जीआरएचे एक्सप्रेस प्लस ग्रीन रिव्होल्यूशन एग्रीटेक जीआरएचे इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले कृष्ण दर्जे जो फिलहाल बराबरी पर यहां से अगले दो ओवर दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है आने वाले धन्यवाद धन्यवाद अमरावती टीम की ओर से छठा ओवर लेके प्रवीण वानखड़े काफी बेहतरीन बॉलर है प्रवीण वानखड़े बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं अमरावती की स्ट्रेटेजी एक ही अभी अमरावती टीम को उनसे यही आशा बस एक आधी विकेट लेना चाहिए और बुल्डाना बनाना ब्लास्टर जलगांव की ओर से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश होते हुए इधर ग्राउंड में पहली बॉल पे बढ़िया शॉट मारा है देखना है और इसी बीच एक रन कंप्लीट किया दूसरा रन लेने की कोशिश आता मात्र पुनः एकदा सज्ज असतील प्रणय एक मोठा फटका मारा है गेंद बघूया आता प्लेयर के ऊपर से मारे शंभर षटकार और गेंद 6 रनों के लिए ग्राउंड के बाहर स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 46 रन तुम्ही नादच के लाइटे धावा संख्या षटकार पोहोचते 46 धावांवरती आता मात्र त्याच प्रकारचा फटका पाहायला मिळतोय आपल्याला
हलक्या हाताने खेळून काढलाय तो लेग साइडच्या दिशेने एक धाव खेळत आहेत ते प्रणय पाटील. आवश्यकता असेल अमरावती संघाच्या गोलंदाजी मध्ये पर्यायाची परिवर्तन करणे आवश्यक असेल. बाद में एक रन लेते हुए स्कोर बढ़ता 47 रन एक विकेट के नुकसान पे. प्रवीण अगली गेंद लेके तैयार और बढ़िया ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद सीधा प्लेयर के हाथ में. फील्डर वहां मौजूद बढ़िया फील्डिंग करते हुए वापस गेंदबाज प्रवीण के हाथ में बॉल प्रणय को. प्रणय और बहुत ही बढ़िया शॉट और थोड़ा सा यहाँ पे मिसफील्डिंग दोनों प्लेयर द्वारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप और इसी बीच आउट करार दिया यहाँ पे शायद प्रणय जो कि काफी महंगे साबित हो रहे थे यहाँ पे अमरावती टीम के लिए. काफी बढ़िया बैटिंग किया था उन्होंने प्रणय दो छक्कों की मदद से बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते चुके हैं और दूसरा झटका वर्मा ब्लास्टर जलगांव को. अगले बैट्समैन के रूप में सागर दौड़ जाते हुए प्रणय काफी बढ़िया दो छक्कों की मदद से बढ़िया बैटिंग बल्लेबाज किया उन्होंने. प्रवीण वानखड़े जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अमरावती टीम को उनसे एक विकेट की आशा. अगला बैट्समैन सागर क्रीज के ऊपर बॉलिंग करेंगे प्रवीण वानखड़े. खेलने के लिए तैयार सागर. और बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ में सागर ने निकाल दिया सम्मान के साथ में. जितना बेहतरीन गेंद थी उतनी जबरदस्त शॉट खेलते हुए सागर ने अपना एक रन कंप्लीट किया और इसी के साथ में 6 ओवर की समाप्ति. स्कोर विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आजच वापरा जीआरएचे इलाइट. यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते. ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप. भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे इलाइट. मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचे इलाइट. अमरावती की ओर से 7 ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार सागर को विशाल देशमुख. और बहुत ही बढ़िया गेंद और उतना ही जबरदस्त शॉट खेल दिया. देखना है दूसरा रन लेते हैं बैट्समैन नहीं और इसी भी थोड़ी सी प्लेयर के बीच में मिस फील्डिंग और इसका खामे आ जाना. सागर में 4 रन इसी रात में 53 रन बनाना ब्लास्टर जलगांव के 53 रन दो विकेट के नुकसान पे. त्रेपन रन और ये बहुत ही शानदार गेंद थी. पूरा फायदा उठाया सागर ने 6 रनों के लिए. बॉल 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 दो बॉल 1 शॉट रन.
160 रन बनाना ब्लास्टर जलगांव का स्कोर। 7 ओवर चालू है, काफी अच्छी शुरुआत 2 विकेट को नुकसान पे। और बहुत ही बढ़िया गेंद, थोड़ा सा रुक के आती हुई गेंद, समझ नहीं गए सागर को, समझ भी नहीं आया और उन्हें जाने दिया विकेट के दस्ताने में। और इसी बीच वापस एक बार वही गेंद, पूरी तरह से बीट हो सागर वापस। जरूरत नहीं है अभी इतने लंबे शॉटों की, बढ़िया रन रेट चालू है। और इसी बीच बेहतरीन गेंद एक बार वापस विशाल देशमुख द्वारा, उतनी जबरदस्त बैटिंग सागर द्वारा, कट करके ग्लांस करके। बढ़िया बल्लेबाजी और क्षेत्ररन का नजारा यहाँ पे। और इसी बीच 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर। Beam Revolution Agritech GRA chip fix now is silicon based non ionic spreader assembly activated आहे. हे स्प्रेडर पिकांच्या फवारणीत वापरलेली कीटकनाशके आणि इतर कृषी रसायने यांना अत्यंत जलद आणि प्रभावीपणे पिकांच्या सर्व8 ओवर की पहली गेंद सागर को डालने के लिए तैयार कविश, स्कोर 7 ओवर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, एम्पायर ने वाइड करार दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन। कविश काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अमरावती टीम की ओर से, अगली गेंद लेके तैयार और उठा के मारा है, देखना है गेंद बहुत बढ़िया शॉट कविश की वाली पे, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला था इस गेंद को, पर लगा दिए होते थे आदिशा जॉन 6 रनों के लिए। सागर द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया छक्का मारा सागर ने, काफी अच्छे बल्लेबाज सागर डीजे और उतनी जबरदस्त गेंदबाजी कविश द्वारा। को किस तरह खेला सागर ने, एकदम बढ़िया शॉट मारा उस पे। और सही नसीहत खेल दिया वार्डरी, लेकिन फील्डिंग फील्डर वहां पर मौजूद की जबरदस्त फील्डिंग और इसी बीच एक रन चुरा लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे बनाना ब्लास्टर। सागर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। कविश अगली गेंद लेके तैयार, और बहुत ही बढ़िया गेंद और काफी अंदर से शायद थोड़ी सी बाहर गई गेंद ऑफ स्टंप के,
एम्पायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के व्हाइट करार दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 170 रन, 69 रन, लॉस ऑफ टू विकेट्स। तेज गति से डालते हुए कविश, और इसी बीच थोड़ी स्लो गेंद फेंका था, दूसरा रन लेना चाहते थे बैट्समैन, मना किया सागर ने। स्कोर बढ़ता हुआ और सागर सामना करेंगे कविश का। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सागर क्रीज पे डटे हुए एक ओवर से। और देखना है यहाँ पे दो रन तो निकल ही जाएंगे। सागर ने दो रन दौड़ के पूरे कंप्लीट किया। स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। आठवें ओवर की अगली गेंद लेके तैयार कविश। और वापस से बेहतरीन शॉट मारा है, पर गेंद सीधा फील्डर के हाथ से है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग पवार द्वारा। कविश अगली गेंद लेके तैयार। बढ़िया फाइनल मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे ग्राउंड पे। और थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, पहली स्लिप रहती थी और इसी बीच काफी क्लोज थ्रो था ये। सटीक थ्रो अगर नीचे से रहता था तो इसका निर्णय कुछ और ही होता था। बढ़िया कीपिंग अमोल सेठी द्वारा। तो आठ ओवरों के बाद 74 ये है स्कोर। आठ ओवर की दो विकेट के नुकसान पर अगले दो ओवरों में कम से कम जलगांव के जो बल्लेबाज है 25 से 30 रनों के बीच में जरूरत। अब बिल्कुल सर, तीन या चार ओवर बाउंड्री लगाते हैं और वही कोशिश रहेंगे बल्लेबाज की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और यहां पे जो बैटिंग लाइन उनकी कोशिश रहेंगे कितना ज्यादा हो कम स्कोर पर रोका जाए जलगांव के बल्लेबाजों को। सागर की जो बल्लेबाजी है, दो तीन सिक्स उन्होंने अच्छे लगा दिया तो स्कोर 100 रन के पार जा सकता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बराना ब्लास्टर जलगांव द्वारा। और खुशी सर कमेंट्री बॉक्स में आए अगर बनाना ब्लास्टर को मैच जीतना है तो। प्रवीण वानखड़े अपना खुशी सर बहुत ही लकी है, जब भी वो कमेंट्री बॉक्स में आते हैं तो मैच जीतती है जलगांव। सही कहा आपने, अगली गेंद डालने के लिए तैयार प्रवीण वानखड़े। नवे ओवर की पहली गेंद लेके स्कोर अभी 74 रन। शर्मा सर से निवेदन है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। शर्मा सर आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। माइक ही बंद कर देता मैं। नहीं सर आप कमेंट्री करिए सर, आपको हम स्कोर बताते रहेंगे, करिए आप कमेंट्री। कोई बात नहीं भाई। और स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन, दो विकेट के नुकसान पे। और बेहतरीन शॉट इसी साथ में सागर द्वारा, और बढ़िया फील्डिंग पावर द्वारा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, देखना। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रन निकाला है यहाँ पे सागर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 77। थोड़ा सा भी फील्डर के बीच में हड़बड़ाहट का पूरा फायदा उठाया सागर ने। बहुत ही रनिंग विकेट से विकेट बहुत अगर मैच जीतना है तो ऋषि सर कमेंट्री बॉक्स में आए रहे ऋषि सर जलगांव के।
जलगाव के ऋषि सर से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आए, और शर्मा सर से निवेदन कि कमेंट्री जारी रखे, ऋषि सर को हमने आवाज दिया था, धन्यवाद। और इसी बीच प्रवीण वानखड़े की और एक और गेंद, काफी बॉल घूमता हुआ ग्राउंड में इधर से उधर, और एक रन कंप्लीट किया। सागर को मालूम है स्ट्राइक उनके हाथ में चाहिए अगर टीम को अच्छे स्कोर पे पहुंचाना है तो। सागर काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पे डटे हुए एक साइड से, बनाना ब्लास्टर जलगांव के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट है सागर के पास में, दो छक्के उन्होंने बहुत बेहतरीन मारा है। प्रवीण वानखड़े को खेलने के लिए तैयार, और इसी बीच एक रन कंप्लीट किया यहाँ पे। प्रवीण वानखड़े अपनी अगली गेंद लेके तैयार, और इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंद पूरी तरह से बीट है बैट्समैन, और इसी आधे नौ ओवर की समाप्ति। और यहां मेरे धामनगढ़ टीम के कैप्टन कोच सभी बोले तो चलता सुजीत बाबू मुंदड़ा जी, और साथी हमारे साथी मनोज बाबू खुशी आनंद के प्रोग्राम इसका आगमन हुआ है पवेलियन में, उनका मैं स्वागत करता हूँ। मनोज बाबू जैन और सुजीत बाबू मुंदड़ा की धामंगन काफी जाने माने प्लेयर है, उनके पास मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें यहाँ पे। सुजीत बाबू से विशेष विनती है कृपया पवेलियन की ओर के समाप्ति के बाद स्कोर है 80 रन, 9 समाप्ति में स्कोर 80 रन, 2 विकेट के स्थान पे। आखिरी ओवर है, सागर को स्ट्राइक लेके कम से कम 20 रनों के लेने की जरूरत, अच्छा करना है तो सागर के हाथ में स्ट्राइक। आखिरी ओवर डालेंगे कविश, बल्लेबाजी और फील्डिंग का जबरदस्त नमूना पेश करते हुए यहाँ पे दोनों ही टीमें दोहरा रहा, बहुत ही बढ़िया। इसी बीच प्लेयर रिटायर होते पवेलियन की ओर आते हैं, अच्छी बल्लेबाजी काफी अच्छा साथ दिया सागर का। 10 ओवर की पहली गेंद कविश की डालने के लिए तैयार सागर को, और देखना है कैच बनती है या नहीं, और शायद वन बस के नहीं सीधा सिक्स दिया है एम्पायर ने। साउंड गाना पुष्पा नाम सुख के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं। सुजीत बाबू मुंदड़ा हमारे धामनगढ़ टीम के कैप्टन, काफी धुआंधार टीम गिर जाती है धामनगढ़ की। और इससे ओवर की पहली दूसरी बढ़िया जाती गेंद, और साहिल का थोड़ा सा मिस फील्डिंग रोकने की कोशिश किया, गेंद बाहर की 4 रनों के हाथ में, बढ़िया बल्लेबाजी का नमूना पेश यहाँ पे। डीजे साथ में फ्री हिट है, फ्री हिट है वर्मा सर, वर्मा सर कंटिन्यू, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी।
बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी किया था कविश ने भी, सागर पूरी तरह से बीट हुए थे। अगली गेंद कविश द्वारा और बहुत बढ़िया से पूरी तरह से बीट हुए सागर वापस। थोड़ी सी उछाल थी साथ गेंद में, शॉर्ट पिच गेंद डाला था। थोड़ी से नाराज सागर, नाखुश क्यों ना हो कि आखिरी ओवर की तीन चार गेंद शेष, अपनी टीम के लिए एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने की कोशिश में सागर। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार कविश को, और वापस से शॉर्ट पिच गेंद थोड़ी सी, और वापस से बीट हुए सागर। और इसी के साथ खेल दिया विशाल देशमुख के हाथ में, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा, और वापस स्ट्राइक सागर के हाथ में। मेरे ख्याल से ये 10 ओवर की शायद आखिरी गेंद या एक गेंद और होंगी। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का नजारा पेश करते हुए सागर टीम को सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ाते हुए, काफी उम्दा बैटिंग किया सागर ने। खेलने के लिए तैयार कविश को, और स्लो गेंद पे बहुत ही बढ़िया चार रनों के लिए शायद गेंद काटी। आखिरी गेंद पे वापस सागर ने जो शॉट की जरूरत थी टीम को उसी के समाप्त किया छह रनों के साथ में। तीसरा छक्का सागर द्वारा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सागर। साथी कमेंटेटर स्कोर चाहूंगा 10 ओवर की समाप्ति के बाद में, और इसी के साथ 10 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद स्कोर है 99 रन और पूरे 100 रनों का लक्ष्य दिया है बनाना ब्लास्टर ने 99 फास्टर अमरावती के सामने। पहली मैच में 101 रन का स्कोर मिला था, 9 ओवर में चेस किया था अमरावती ने, 9 ओवर में चेस किया था, अभी वापस स्कोर 100 रन। सौ रनों का लक्ष्य दिया है, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है बनाना ब्लास्टर के कप्तान ने टॉस बल्लेबाजी का फैसला किया था। अरे घर पे जाना है शाम को, जिन्होंने की 7 रन बनाए, प्रणय जिन्होंने की 14 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, 3 छक्के और 2 चौके, और सागर जिन्होंने 19 रन बनाए। 100 रनों का टारगेट अमरावती टीम को, पहली मैच में 101 रन का टारगेट मिला था। सागर जिन्होंने 43 रनों का लक्ष्य योगदान दिया 19 गेंदों में। भैया बहुत दूर है इससे, बहुत दूर चल गया पार्टी, बहुत दूर है इससे। सागर 19 गेंदे 4 छक्के 2 चौके 43 रन, प्रणय 14 गेंदों में 32 रन 3 छक्के 2 चौके लगाए, और
9 रनों का योगदान दिया है वैभव देशमुख जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया था, और रोशन जो कि 7 रन बनाए थे रोशन ने। तो इस प्रकार से निर्धारित 10 ओवरों में 99 रन बनाए हैं। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल काय। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल काय। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट। मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचए फिक्स नाव
हे सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयोनिक स्प्रेडर असून ऍक्टिव्हेटर आहे. हे स्प्रेडर पिकांच्या फवारणीत वापरलेली कीटकनाशके आणि इतर कृषी रसायन यांना अत्यंत जलद आणि प्रभावीपणे पिकांच्या सर्व भागांवर त्वरित पसरतात. शिवाय कृषी रसायने बरोबर यांची कोणतीही प्रक्रिया होत नाही, पण परिणामकारकता मात्र नक्की वाढते. भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे फिक्स नाव. स्टिकर म्हणजे फक्त जीआरएचे फिक्स नाव. ग्रीन रेव्होल्यूशन ऍग्रीटेक जीआरएचे फिक्स नाव हे सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयोनिक स्प्रेडर असून ऍक्टिव्हेटर आहे. और बालाजी कृषि केंद्र के प्रोप्राइटर गोलू बाबू इनका भी हार्दिक अभिनंदन. दामनगांव टीम के कैप्टन और कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हर चौके पे 200 और छक्के के 300 रुपए, वो अभी पहले मैच की फील्डिंग है, कैलकुलेशन करके बताऊंगा उनको मैं. और अगला हाल सुनाने वीरभू शर्मा. और ये सीबी थोड़ी सी मिस फील्डिंग वापस बनाना ब्लास्टर धारा और रन से यहाँ पे बंद कर भाई भाई बंद कर दो उधर कमेंट्री डिस्टर्ब प्लेयर और इसी बीच वाइट बढ़िया ने दिया साहिल ने पहली देख लिया था. साहिल अगली गेंद खेलने के लिए तैयार. दोनों बैट्समैन अभी से शुरुआती है. थोड़ा सा प्रेशर बनाना टीम के ऊपर. काफी बढ़िया गेंद स्टंप के बाहर जाती है ऐसा लगा साहिल शर्मा को और सीधा स्टंप ले उड़ी. पता ही चला कि सीधा साहिल
बहुत ही बढ़िया गेम और पहला झटका ब्राजील को सही के रूप में एक रन के ऊपर गेम में सब जारी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी बनाना ब्लास्टर जलगा द्वारा अमरावती टीम को साहिल और उसी बीच वापस थोड़ी सी गेंद अंदर आते हुए हेलो प्रीता भी अच्छी बैट हेलो ना गेंद पे सागर बढ़िया जोड़ी मैदान में क्रीज के ऊपर अमरावती ओर से और इसी बीच बहुत बढ़िया प्लेसमेंट करके एक रन चुरा लिया दोनों प्लेयर बैट्समैनों ने एक रनों के साथ में संतुष्ट होना पड़ा उन्हें। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार वापस बॉलर सागर ढेरे को और उठा मार गेंद बहुत ही ग्रीन रेवल्यूशन एग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे इलाइट मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचे इलाइट। स्कोर अमरावती टीम ग्रीन रेवल्यूशन एग्रीटेक जीआरएचे इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप भरघोस पिकाच्या उत्पन्न बढ़िया खेल दिया सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई बहुत ही बढ़िया निकाल दिया कोई प्लेयर नहीं वहां पे हाफ टाइम के बाद बोले स्टार्ट का फायदा हुआ स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन बढ़िया शॉट था सागर द्वारा और ये उठा के मारा है कोई प्लेयर नहीं बढ़िया सागर बहुत बढ़िया फील्डर जलगांव के बढ़िया बैटिंग किया उन्होंने तीन छक्कों की मदद से काफी सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया अपनी टीम का 9 रन जिसमें सागर का बहुत बड़ा श्रेय है काफी बढ़िया योगदान 1 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की अगली गेंद लेके तैयार बहुत ही बढ़िया प्लेयर ने बहुत बढ़िया फील्डिंग किया इसी बीच एक रन कंप्लीट किया कोई रन नहीं प्लेयर क्रीज में पहुंचे चुके थे स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन आपने नीले तो तुमको
बहुत ही बड़ा और संघर्ष मुकाबला देखने मिल रहा है यहाँ पे दोनों टीमों द्वारा। फाइनल मैच का मुकाबला, रोमांचक मुकाबला। हाँ, इसी बीच सागर ने प्लेयर के हाथ में दे दिया गेंद और लाली बाबू की कैच और ने दूसरा जगह बड़ा यक्का हुआ जीत को, जो कि काफी अच्छी बैटिंग करते हैं की जरूरत थी। कवि जरूरत में खिंचा रहे थे बढ़िया शॉट था कवि के बाद में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी बनाना बनाना ब्लास्टर जलगांव की ओर से। कविश बहुत ही बढ़िया गेंद थी, पूरा सम्मानजनक साथ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए बनाना ब्लास्टर जलगांव होता है। इसके बाद में मैच के बाद में कविश क्योंकि तुम्हारे ऐसी प्लेयर रहेंगे ना इसके बाद में। बहुत बढ़िया शॉट खेला कविश ने, पन प्लेयर वहां मौजूद और इसी भी थोड़ा सा थ्रो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बाला द्वारा। फ्लावर समझे क्या? बहुत बढ़िया फ्लावर नहीं, फायर। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीटेक जीआरएचए इलाइट या मध्य संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले कृष्ण दर्जाचे लिक्विड पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ॲग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले कृष्ण दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप घरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचए इलाइट मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचए इलाइट। ग्रीन रेव्होल्यूशन ॲग्रीटेक जीआरएचए इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले कृष्ण दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे जे पिकाची इम्युनिटी वाढ। बहुत ही बढ़िया शॉट और उतनी जबरदस्त फील्डिंग सागर द्वारा। देख लिया तो उन्होंने बॉल को कैच नहीं हो सकती है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, चलना सागर एम्पायर ने नहीं दिया है, नहीं है नहीं है, चांदूगर चांदूगर नहीं है, चांदूगर नहीं है ना। सागर सागर कैमरे है अपने आप, बताने की जरूरत नहीं है, एम्पायर देख लेंगे डिसीजन। चेयर अप और उठा के मारा है, देखना है दो दो प्लेयर कैच होंगी नहीं। बढ़िया बढ़िया डिफेंड और इसी के साथ में सेम नतीजा, बहुत बढ़िया कैच थी, बहुत बढ़िया जजमेंट, दो दो प्लेयर बॉल के नीचे। मेरे साथी रोशन रोशन ने बहुत अच्छा ट्राई किया था, क्या नजारा
आंखों में आने से जज मिस कर गए। थैंक यू सर, शाटा सर से निवेदन है कि रोशन दारा कृपया हमें भी थोड़ी संधि दी जाए। और फटका होता है, सीधा हाथों में जाती गेंद और बहुत ही बढ़िया एक ही रन के साथ में संतोष करना पड़ेगा सूरज के आते हुए। सही है बोला, सही करा वहां पे फील्डर ने, कैच लेने के प्रयास में चौका जा सकता था। और इसी दांत में बड़ा झटका अमरावती टीम को कविश के रूप में। बढ़िया, अब अमरावती टीम बहुत प्रेशर में। बनाना ब्लास्टर बहुत बड़ा झटका अमरावती टीम को कविश के रूप में, तीसरा झटका लगते हुए। तीनों बढ़िया प्लेयर अमरावती के पवेलियन लौट चुके हैं। इसी बीच कैप्टन विशाल देशमुख और प्रीतम कविश की जगह विशाल देशमुख मैदान में। बनाना ब्लास्टर जलगा द्वारा बेहतरीन फील्डिंग बॉलिंग का नमूना पेश है यहाँ पे। तीन विकेट चटका उन्होंने अमरावती टीम के। बहुत बढ़िया गेंद, वेल प्लेड कविश। और अभी बहुत ही बढ़िया गेंद, उतने सम्मानजनक शॉट खेलते हुए अमरावती टीम के कैप्टन विशाल देशमुख ने जाने दिया सीधा अभी की ओर, कोई रन नहीं। जलगांव जिंकते, बढ़िया फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए बनाना ब्लास्टर जलगांव की ओर से। और ये निकाल दिया, बढ़िया शॉट खेलते हुए जाने दिया गेंद को और एक रन कंप्लीट किया विशाल ने। इसी रात में स्कोर बढ़ता अमरावती टीम का तीन विकेट के नुकसान पे। काफी संघर्ष करना पड़ेगा अमरावती टीम को मैच निकालने के लिए। और ऋषि सर की अच्छी फील्डिंग थी वहां पर। ऋषि सर के स्कोर बताएं पर कमेंटेटर। ग्रीन रेवल्यूशन एग्रीटेक जीआरए जी एक्सप्रेस प्लस हे आधुनिक युगाचे आधुनिक शक्तिशाली जैविक उत्पादक आहे। एक्सप्रेसचा वापर केल्याने तत्काळ लक्षणीय बदल आढळतात व झाडांची जोमदार वाढ होते। अन्न खते व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन अधिक उत्पन्न मिळते। फुले व फांद्यांची वाढ भरपूर प्रमाणात होऊन फळांमध्ये रूपांतर करते। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे एक्सप्रेस प्लस। बायोस्टिमुलेंट म्हणजे फक्त जीआरएचे एक्सप्रेस प्लस। अमरावती एग्रो डीलर ग्रीन रेव्होल्यूशन एग्रीटेक सर्वांना स्वागत करता हूं। प्रमुख उपस्थिति के रूप में पवेलियन में आए हुए सम्मानीय सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और बढ़िया गेंद ब्लॉक होल के अंदर सीधा पैर पे दे मारा अभी ने। लेग बाई का इशारा एम्पायर द्वारा।
अमरावती टीम को विकेटों के साथ में रनों की भी जरूरत, बहुत बढ़िया फील्डिंग फेस अतिशय तुरशीचा असा सामना। 17 रन, सुंदर तिसरा षटक आहे, चौथा षटक आहे, चौथा षटक अवसंख्या 17 धावा, 18 धावा, आता एक धाव घेतली आहे। पांचवा षटक मैदानावरती सुरू आहे। अजय मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असतील। संघाचे कर्णधार आता मात्र ऑन स्ट्राइक, बघूयात कशा प्रकारचा थोडा दबाव असेल मात्र या ठिकाणी। धावा संख्या 18 धावांवरती आहे। आता मात्र चांगला चेंडू होता, यॉर्कर लेनचा चेंडू वेध घेतो शरीराचा आणि लेग बायच्या स्वरूपातली येते एक धाव। धाव संख्या 19 धावांवर जाऊन पोहोचते। आपण बघतात अमरावती ऍग्रो डीलर्स अँड एम्प्लॉईज असोसिएशन अमरावती द्वारा आयोजित T10 ऍग्रो प्रीमियर लीग ही स्पर्धा आज या मैदानावरती रंगतोय हा अंतिम सामना। 100 धावांचं आव्हान आहे अमरावती फास्टर संघासमोर। आता मात्र यॉर्कर स्वरूपाचा हा चेंडू होता, खेळून काढलाय ऑफसाइडच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहेत। एक धाव मित्र मिळते आहे आणि आता मात्र एक अतिरिक्त धाव, नो बॉलच्या स्वरूपात संधी मात्र असेल संघाचे कर्णधार या संधी सोनं करणे आवश्यक असेल या क्षणांमध्ये, कारण बदलण्यास हरकत नाही। पुष्पा नाम सुखे फ्लावर समजे क्या, फ्लावर नाही फायर है। पुन्हा एकदा सज्ज आहे तर संघाचे कर्णधार, बघूयात फ्री हिट मात्र असेल। आता मात्र चांगला चेंडू होता, पुन्हा एकदा त्याच गतीने टाकलेला चेंडू आणि पंचांचा इशारा येतोय मात्र त्या स्वरूपाची झाली आहे, सरळ जाते फेकिया यष्टीन वरती आदळते परंतु पंचावरती दबाव नाहीये। पोहोचलेत एक धाव पूर्ण होते आहे, एका धावेची धाव संख्या जर बघितली तर जाऊन पोहोचते आहे 22 धावा, 4 चेंडू झाले, 2 चेंडू शेष असतील या षटकाचे। आरंभदार अमरावती टीम प्रीतमवर विशाल देशमुख के ऊपर अगली गेंद निकले तैयार, बढ़िया शॉट मारा, रन से संतुष्ट होना पड़ेगा उन्हें। ग्रीन रिव्हॉल्युशन ऍग्रीटेक जीआरएचे ह्युमी डायमंड हे नॅनो टेक्नॉलॉजीने बनवलेले उत्पादक आहे। ह्युमी डायमंडचा वापर केल्याने पांढऱ्या मुळांच्या व हरित द्रव्याच्या प्रमाणात वाढ होऊन पिकांमध्ये प्रतिकात्मक शक्ती वाढते। पाने, फळे, भाजीपाला यांचा रंग टपटपीतपणा व चव यामध्ये। आता मात्र पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होत आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करायला पाहायला मिळतंय आपल्याला। अजय निश्चितच एक संधी मात्र त्यांच्याकडे होती परंतु चेंडू वेगवान होता तेवढा ताकदीचा फटका मारला गेला होता संघाचे कर्णधार विलास देशमुख यांच्या फडीमधून। मात्र थोडीशी दुखापत पाहायला मिळायला आपल्याला मैदानावरती अजय यांच्या हातावरती, काय फटका अडवतायत क्षेत्ररक्षणामध्ये। निलेश चांदूरकर जहां कहीं हो, निलेश चांदूरकर
जोरदार असा फटका मारला होता अनिकेत चांदूरकर जहां कहीं भी हो स्टेज के पास में आए। अमरावतीचे कर्णधार यांच्या बॅट मधून निघालेला तो जबरदस्त निलेश चांदूरकर धाव संख्या झाली आहे ती 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25 धावा। काय सांगशील अनिकेत ज्या प्रकारे फलंदाजी फलंदाजांना मोठी खेळी करू दिली नाही आहे। जळगावच्या जळगाव संघाच्या गोलंदाजांनी कुठेतरी आता दडपण जे आहे दबाव जो आहे आलेला आहे तो बुलढाणा अमरावती संघाच्या फलंदाजांवर। काय सांगशील कशा प्रकारे फलंदाजीची आवश्यकता आहे चांदूरकर साहेब जहां कहीं भी हो निलेश चांदूरकर ज्या प्रकारे गोलंदाजी होत आहे बनाना ब्लास्टर जळगाव संघाची निश्चितच अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी मैदानावरती आहे। जर बघितलं तर 3 गडी बाद अमरावती संघाचे आहे दबाव आहे। जर बघितलं तर 3 इनफॉर्म फलंदाज पवेलियन मध्ये बसलेले आहेत आणि जी गोलंदाजी होत आहे परिवर्तनास्पद गोलंदाजी मैदानावरती होत आहे आणि जर बघितलं तर थोडासा दबाव दोन्ही फलंदाजांवरती असेल। स्कोर एम्पायर कम्युनिटर मेरे साथी कम्युनिटर स्कोर बताया जाए एक बार। धावा संख्या जर बघितली तर 25 धावांवरती 3 गडी बाद आहे अमरावती फास्टर संघाचे। आता मात्र जर बघितलं तर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आता बघितलं तर 36 चेंडू मध्ये अजूनही 55 अमरावती संघाला तर निश्चितच दबाव हा अमरावती संघांवर। परंतु डावखुरे जे फलंदाज आहे देशमुख बघूया त्यांची बॅट ने काय जादू दाखवतात ते आणि त्यांच्या सोबत उजव्या हाताचे फलंदाज खेळत आहेत प्रीतम। या दोन्ही फलंदाजांवर भली मोठी अशी जबाबदारी संघ अडचणीत असताना बघूया काय आपल्या संघाला या संकटातून वाचवू शकतात ते धीरज आणि विलास। निश्चित एक चांगली अशी खेळली गेली होती आपल्या संघासाठी सागर याने परंतु आता मात्र सचिन ताटे हा नवीन गोलंदाज आलेला आहे पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी समोर आहेत। काय चेंडू पाहायला मिळतो सचिन यांचा आता मात्र दबाव आहे। दबावाखाली जर बघितला तर धाव संख्या येत नाहीये मोठी फटकेबाजी येत नाहीये। 5वं षटक मैदानावरती सुरू आहे। सचिन काय गोलंदाजी पाहायला मिळतं पहिला चेंडू थोडासा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने वळलेला होता। फायनल मॅच आहे अंतिम सामना आहे फलंदाजांवरती निश्चित दबाव मात्र असणार आहे। जर बघितलं तर सचिन वरती आता थोडासा मानसिक दबाव सुद्धा मैदानावरती असेल। जर बघितलं तर थोडासा मोठे फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न मात्र फलंदाजांकडून होईल। आता मात्र मोठा फटका चेंडू जातोय सीमारेषा पार षटकार 6 धावांसाठी आहेत। काय षटकार येतोय निश्चितच फायदेशीर ठरेल हा षटकार। हॅलो आता मात्र यॉर्कलेनचा हा चेंडू होता। काय चेंडू पाहायला मिळतो सचिन यांचा अतिशय कौतुकास्पद गोलंदाजी म्हणण्यास हरकत नाही। थोडासा वाईड यॉर्कलेनचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न मात्र झाला होता। कॉमेंट 2 मिनिट जगदीश भाऊ सारडा यांचे आगमन झालेलं आहे नर्सिंग कृषी सेवा केंद्र अंजनगाव सुरचेचे संचालक त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो। त्यांनी एक स्टेजवर बसावे मनोज भाऊ जैन यांनी सुद्धा स्टेजवर बसावे। आता मात्र मोठा फटका चेंडू जातो सी मारेच्या पार षटकार। थँक्यू डी काय अतिशय महत्वपूर्ण क्षणामध्ये येतोय हा षटकार आणि किती फायदेशीर ठरेल म्हणण्यास हरकत
डबा मात्रा फलंदाजावरती शुभानंद ऍग्रो चे संचालक दबाव मात्र दोन्ही फलंदाजांवरती होता। आता थोडासा करताना प्रीतम येतोय हा महत्वपूर्ण क्षणांमध्ये षटकार। या षटकाची धाव संख्या जाऊन पोहोचते 39 धावा। अमरावती फास्टर संघ आता मात्र सचिन दबावामध्ये पुन्हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आता मात्र झाला होता। सरट चेंडू थोडासा पायावरती टाकण्याचा प्रयत्न होता। दोन धावा पूर्ण चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स म्हणावी लागते दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून। विलास देशमुख संघाचे कर्णधार आणि अष्टपैलू फलंदाज प्रीतम ढोरे काय खेळतायत अतिशय कौतुकास्पद खेळी मैदानावरती होते। आता मात्र पुन्हा मोठा फटका चेंडू जाईल सीमा रेषेवर षटकार 10 धावा। या षटकाराविषयी जाऊन पोहोचले आहे। थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे। षटक समाप्त होत आहे। ग्रीन रेव्होल्यूशन एक्सप्रेसचा वापर केल्याने तत्काळ लक्षणीय बदल आढळतात। अधिक उत्पन्न मिळते। फुले व फांद्यांची वाढ भरपूर प्रमाणात होऊन फळांमध्ये रूपांतर करते। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे एक्सप्रेस प्लस। बायो स्टिम्युलेंट म्हणजे फक्त जीआरएचे एक्सप्रेस प्लस। ऍग्रो डीलर्स अँड एम्प्लॉय असोसिएशन यांच्या वतीने जे सामने राबविण्यात आले आजचा हा शेवटचा सामना फायनल अमरावती आणि जळगावमध्ये चालू आहे। आणि बक्षीस वितरणाकरता आपल्याकडे जे गेस्ट लाभलेले आहे आपल्याला त्यांची मी एक ओळख करून देऊ इच्छितो। श्री विक्रम साळी सर पोलीस उपायुक्त अमरावती हे आपल्याला एक पोलीस उपायुक्त अमरावती शहर आपल्याला इथं लाभलेले आहे त्यांचे मी मंडळाच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो। आणि सर आपले ॲग्रीकॉसच आहे त्यामुळं एक त्यांना बोलवण्यात आम्हाला अतिशय आनंद झाला। त्यानंतर त्यातल्या त्यात पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला इथून त्यांचं बी एस सी ॲग्रीकल्चर झालेलं आहे बीटेक बीटेक। त्यानंतर इथं आपल्याला लाभले आहे त्यांचे वडील एक क्रिकेटचे चाहते या नात्याने ते हा मॅच बघण्याकरता इथं उपलब्ध झालेले आहे त्यांचं पण मी मंडळाच्या हार्दिक स्वागत करतो। त्यानंतर इथे आपल्याला लाभले आहे किशोर भाऊ वारकडे ऍग्री स्टारचे डायरेक्टर आहेत ते त्यांचं पण मी मंडळाच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो। त्यानंतर जी आर एचे डायरेक्टर परिषद भाऊ चांगोले हे सुद्धा इथं उपस्थित आहे त्यांचं पण मंडळाच्या वतीन मी हार्दिक स्वागत करतो। त्यानंतर उदयभाऊ देशमुख ॲग्रो एंटरप्राईजचे संचालक त्यानंतर राजूभाऊ बजाज त्यानंतर पंकजभाऊ गांधी मिलिंदभाऊ इंगोले हे पंकजभाऊ लड्डा मिलिंदभाऊ इंगोले दिनेशभाऊ कडू आणि एक आमचे आधारस्तंभ आम्हाला एक दुसरं प्राईज कुठून आणावं हे कळत नव्हतं वेळेवर ते कॅन्सल झालेलं असताना आम्हाला लाभलेले एक आमचे आधारस्तंभ जगदीश शेठ सारडा इथं उपस्थित झालेले आमच्या विनंतीला वाहन देऊन त्यांचं मी मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। तसेच बालाजी कृषी केंद्राचे संचालक गुलबू मुंदळा यांनी पण स्टेजवर आहे अशी मी त्यांना विनंती करतो। मनोजभाऊ जैन स्टेजवर नाही मनोजभाऊ जैन यांनी स्टेजवर यावे आणि एक आमचे मित्र परम मित्र परेशभाऊ वडगावकर हे सुद्धा एक स्टेजवर उपलब्ध आहे शिरीषभाऊ रावेकर सर। तर अशा प्रकारचा हा मान्यवर आपल्याला लाभलेला आहे। काही वेळातच मॅच संपल्यानंतर बक्षीस वितरणाच्या समारंभाला सुरुवात होईल। कॉमेंट्री चालू करा। निश्चित रहती हुई गेंद तेज गति की गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज देशमुख इस गेंद के बारे में निश्चित रूप से तेज गति की गेंद थी। स्कोर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर चलता हुआ है पारी का छठा ओवर 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर ऑन साइड पर खेला था इस गेंद। विरुभू शर्मा यानी स्टेज हो रहा है विरुभू शर्मा एक रन के साथ 50 रन पूरे बुलडाणा अमरावती के बूस्टर आणि परीक्षे
संचालक माननीय जाधव सर यांनी सुद्धा मंचावर आवे अशी मी त्यांना विनंती करतो. पार्टनरशिप हो चुकी है और अब चाहिए शॉर्ट गेन. एक बार फिर से पुल कर दिया इस गेन को एक रन के लिए. इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन और 49 रनों की आवश्यकता. 25 गेंदे शेष है अभी. 25 गेंदों में 49 रन तो एक समीकरण देखा जाए तो हर एक गेंद पर दो रनों की जरूरत. तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी बनाना ब्लास्टर के गेंदबाजों को क्योंकि सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला. अब इसके साथ तो 6 ओवर बाद स्कोर है 52 रन. 12 रन प्रति ओवर के रन बनाने होंगे. दोनों टीमें बराबरी पर है. या कोई भी टीम यहां से जीत सकती है. विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रो न्यूट्रिएंट आहे. हे ओवर के बाद पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते. ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप. भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरएचे इलाइट. मिक्स मायक्रो न्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरएचे इलाइट. तो बर्डे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावे. एक जे प्रथम पारितोषिक जे आपल्याला लाभलेले आहे कृषीधन सीड्स प्रायव्हेट लिमिटेड जालना यांच्याकडून तरी मी बर्डे सरांना विनंती करतो की त्यांची मंचावर यावे. गेन हवा में खुद गेंदबाज गेंद के नीचे थे लेकिन पकड़ नहीं पाए कैच को. इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तेज दौड़ लगाती हुई दो रन पूरे किए. इसी दो रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 54 रन स्कोर. अभी भी आवश्यकता जो है 46 रनों के. 23 गेंदे बाकी है. कम से कम 4 हिट लगना बहुत आवश्यक अमरावती के दृष्टिकोण से देखा जाए तो. क्रॉप केयर एग्रीटेक के संचालक पवन शेड़के यांना सुद्धा मी विनंती करतो की राणा जो गेंदबाज है ना वो भैया बल्लेबाज को पढ़ते है तभी तो बल्लेबाज उनको जड़ते नहीं है ना ज्यादा. शर्मा बल्लेबाज को पढ़ते है चतुराई से गेंदबाजी करते स्टेप आउट कर रहे हैं बल्लेबाज देशमुख. थोड़ी सी बिल्कुल अनुभव तो उनके साथ उनके बग्गी. इस बार देशमुख ने देशमुख हाथ खोलते हुए गेंद को काफी लंबा छक्का जड़ा है. वाकई भाई आप जो है ना ये बल्लेबाज तो सिर्फ दिख नहीं रहे भाई हाथ के उनका रन बनाने का जो अंदाज है ना ये काम भी उनका भाई हाथ का काम है रन बनाना. एक और शॉट गेंद और उसे पुल कर दे बैक टू बैक दो गेंदों में दो छक्के. डबल सिक्स आमचे भीष्म पितामह मयूरजी जाधव मयूरजी मयूर सर एक खूप आनंद घेताना त्याचप्रमाणे वृष्टीचे संचालक जाधव सर मंचावर उपस्थित आहेत. निश्चित रूप से एक दबाव बनाते हुए उपलब्ध आहेत. त्यांनी मंचावर आपलं स्थान ग्रहण करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. आमचे भीष्म पितामह मयूर सर एक मॅचचा आनंद घेताना काही ना काही सोच विचार करने पर मजबूर किया है गेंदबाजी साइड को देशमुख ने. कुलदीप यादव कुलदीप राणा माफ कीजिएगा और तो विकेट आई इस बार और कट कर दिया था इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. दो रन पूरे किए और दबाव में बिखरती हुई जलगांव की टीम सफाई से इस गेंद को कलेक्ट नहीं फील्ड नहीं कर पाए फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पर. इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन. इस ओवर की अंतिम गेंद
और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवरों के खेल के बाद 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन, गेंदे बची 18 गेंदे 32 रन। ये समीकरण नहीं रखना है भैया आपको ध्यान में ये रखना है बल्लेबाजों को कि सिर्फ आपको यहाँ से 3 हिट लगाने हैं और गेंदबाजों के लिए, गेंदबाजी साइड के लिए, फील्डिंग साइड के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओवर आने वाला ओवर रहेगा। अगर इस ओवर में 4-5 रन देते हैं तो फिर मैच में बने हुए है। अगर इस ओवर में 10 रन खाते हैं, 10-12 रन, तो फिर आप ड्राइविंग सकते हैं अमरावती को। मैच अपने रोमांच स्थिति में मैच आगे बढ़ता हुआ, दोनों टीमों ने रोमांच अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, जो यूट्यूब माध्यम से लोग देख रहे हैं। 3 ओवर में 32 रनों की जरूरत अमरावती टीम को, 31 रन की जरूरत बनाना फ्लास्टर को, जलगांव को मैच जीतने के लिए। 18 गेंद 32 रन, काफी रोमांच मुकाबला। प्रीतम और देशमुख बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए यहाँ पे जलगांव के लिए सबसे महत्वपूर्ण ओवर रही है। 8 ओवर की पहली गेंद लेके तैयार योगेश पाटिल है गेंदबाज। ओवर में कहना चाहेंगे जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे शर्मा सर, क्या कहना चाहेंगे जिस अंदाज में देशमुख और प्रीतम बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे दोनों के बल्लेबाजों के बारे में बैटिंग पावर पर चलता हुआ। अब शर्मा सर, एक ऐसा वक्त था कि परिस्थिति ऐसी थी कि अमरावती के बल्लेबाजों पर दबाव था, तकरीबन 36 गेंदें बाकी थी और 75 रन बनाने थे, लेकिन पिछले दो ओवर में जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है ना बल्लेबाजों ने, कहीं ना कहीं वापस प्रेशर जो गेंदबाजी साइड पर लाने में कामयाब रहे हैं। बिल्कुल तो सही क्या बात कहेंगे आगे के बारे में? बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ कभी मैच इस साइड कभी मैच उस साइड, अभी दोनों बल्लेबाजों द्वारा बेहतरीन बैटिंग का नमूना पेश करते हुए वापस टीम को बराबरी की ओर लाके खड़ा कर दिया। अभी भी पलड़ा दोनों तरफ झुका हुआ, किधर भी जा सकता है गेम। वर्मा सर देखना है, शर्मा सर से मैं कहना चाहूंगा कि देखना है कि ऊंट किस ओर बैठता है। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि आप देशमुख जो कि कप्तान टीम के जीत के और अग्रसर होती हुई अमरावती की टीम, लेकिन काम अभी पूरा हुआ नहीं है। और 8 ओवर की पहली गेंद पे थोड़ी सी कैच की अपील प्लेसर बनाते हैं और एम्पायर द्वारा इशारा वाइड बॉल का, थोड़ा सा मैच रुका हुआ है। और स्कोर 18 गेंदों में 31 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 31 रन, दोनों टीमें बराबरी पर। और यहाँ पे क्रॉप केयर की ओर से पवन शेड़के का आगमन हुआ है इस बार बल्लेबाज से काफी दूर, और उनसे मैं आगे चाहूंगा स्टेज के ऊपर आमंत्रित करना चाहूंगा उन्हें भी, पवन शेड़के साहब को। देशमुख स्ट्राइक लेते हुए काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए देशमुख अपनी टीम को वापस मैच में लेके आया उन्होंने, जिसका श्रेय पूरा देशमुख को जाता है। धीरज देशमुख काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए, साथी प्रीतम उन्होंने भी बढ़िया साथ निभाया है धीरज देशमुख का। और एक बार फिर उठा के मारा है, देखना है गेंद किधर जाती है, सीधी फील्डर के हाथ में। इसी बीच एक रन कंप्लीट किया धीरज देशमुख ने। अभी भी मैच का रोमांच बना हुआ, फाइनल मुकाबला यहाँ पे अमरावती एग्रो डीलर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से बेहतरीन मुकाबले देखने को मिला यहाँ पे। और
स्ट्राइक लेंगे प्रीतम। निकाल दिया प्रीतम ने, बढ़िया क्लास करके एक रन, सीधा रन आउट की चांस है यहाँ पे, बढ़िया फील्डिंग है यहाँ पे बनाना ब्लास्टर जलगांव की ओर से। दोनों बैट्समैनों के द्वारा बढ़िया प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे मुकाबला अभी भी बराबरी का चलते हुए, रोमांच मुकाबले की ओर बढ़ता हुआ। और उठा के मारा है, देखना है प्लेयर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, चार रनों के लिए धीरज देशमुख द्वारा। यही साथियों को पूरा सम्मान किया उन्होंने। मैच थोड़ा रुका हुआ ग्राउंड में, थोड़ा सा नए मेंबर की, और उठा के मारा है, देखना है कैच बनती है, प्लेयर नीचे बॉल के, और काफी हद तक बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है, काफी महत्वपूर्ण विकेट लिया है बनाना ब्लास्टर ने धीरज देशमुख के रूप में। काफी हद तक बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, अभी उनकी जगह उनके भाई जो कि अमरावती टीम के कप्तान है विशाल देशमुख, एक भाई का आगमन, एक भाई का प्रस्थान, दोनों सक्के भाई टीम की ओर से धीरज देशमुख आउट होते जाते हुए और कप्तान विशाल देशमुख पीछे आते हुए। दोनों सक्के भाई एक ही टीम की ओर से खेलते हैं, दोनों भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे। तो विशाल देशमुख काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, ये भी दोनों भाई एक ही टीम से खेलते हुए। थोड़ा सा स्कोर बता दिया जाए साथी कमेंटेटर, कितने बॉल में कितने रनों की जरूरत है? 76 रन और 76 चार विकेट के नुकसान पर। और अब कितने बॉल में कितने रनों की जरूरत अमरावती टीम को जीतने के लिए? तेरह गेंदे 24 रन, और भाइयों के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इतने भाई खेले हैं। 12 रन के रन रेट से 13 गेंदों में 24 रन की जरूरत, रोमांच मुकाबला में अभी भी तैयार है। 13 गेंदे बाकी है, मैच अभी भी खुला है, जिसने गेम दिखाया उसी के पलड़े में मैच जाएंगी। प्रीतम क्रीज पे ओवर की आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार, और उठा के मारा है वापस सीधा फील्डर, और यहाँ क्या ड्रॉप होगी, और ये कैच बनाना ब्लास्टर को जो इसके बली कैच थी साउंड, इसके पहले की एकदम हार्ड कैच थी, काफी बेहतरीन कैच पकड़ा था, ये कैच तो एकदम सीधा हाथ में थी फील्डर के, और कैच छोड़ दिया उनका। मैच अभी भी खुला पड़ा है, 13 गेंद में 12 गेंद में 23 रन की जरूरत दो ओवर में 11.5 के औसत से। तेईस रन पहली तीन गेंदे काफी महत्वपूर्ण रहेंगी दोनों टीमों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। 12 गेंदों में 23 रन, थोड़ा सा मैच में रोमांच अभी भी बरकरार, 12 गेंद में 23 रनों की जरूरत अमरावती टीम को जीतने के लिए।
और जिस अंदाज से बल्लेबाजी की थी विलास देशमुख ने, अब उनके भाई है इन दूर से एक सरी के दिखते हैं दोनों भाई। अभी भी रुका हुआ, थोड़ा सा डिस्कस चालू है। बनाना ब्लास्टर जलगांव की ओर से गेंद किसे सौंपी जाए, 12 गेंद 23 रनों की जरूरत। रोमांच अभी बरकरार, चार छक्के अच्छे चौके। थोड़ा सा दोनों के एम्पायरों के बीच में डिस्कस होता हुआ प्लेयर के साथ में मैच रुका हुआ। पंकज भाई गांधी जहां कहीं भी हो स्टेज की तरफ आए, पंकज गांधी। दोनों एम्पायर से विनंती है, प्रमुख पाहुने स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैच से जल्द से जल्द खत्म किया जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीटेक जीआरए जी एक्सप्रेस प्लस हे आधुनिक युगाचे आधुनिक शक्तिशाली जैविक उत्पादक आहे। एक्सप्रेसचा वापर केल्याने तत्काळ लक्षणीय बदल आढळतात व झाडांची जोमदार वाढ होते। अन्न खते व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन अधिक उत्पन्न मिळते। फुले व फांद्यांची वाढ भरपूर प्रमाणात होऊन फळांमध्ये रूपांतर करते। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरए चे एक्सप्रेस प्लस। बायो स्टिम्युलेंट म्हणजे फक्त जीआरए चे एक्सप्रेस प्लस। ग्रीन रेव्होल्यूशन अग्रीटेक जीआरए चे इलाइट यामध्ये संतुलित प्रमाणात विविध सूक्ष्म पोषक घटकांचा समावेश असलेले उत्कृष्ट दर्जाचे लिक्विड मिक्स मायक्रो न्यूट्रिएंट आहे, जे पिकाची इम्युनिटी वाढवते आणि पिकास रोगमुक्त करते। ज्याने वापरले इलाइट त्याला उत्पन्न येईल टाइप। भरघोस पिकाच्या उत्पन्नासाठी आजच वापरा जीआरए चे इलाइट। मिक्स मायक्रो न्यूट्रिएंट म्हणजे जीआरए चे इलाइट। तो 12 गेंदे 23 रन है समीकरण। गेंदबाजी के लिए आए सागर पाटिल, बल्लेबाजी के लिए तैयार है प्रीतम। पहली गेंद खेलने के लिए तैयार प्रीतम, काफी लंबे शॉट के लिए जाने जाते प्रीतम और विशाल देशमुख। और बहुत ही बढ़िया बॉल था, जाने दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर। रोमांच अभी मुकाबला बरकरार, 11 बॉल 19 रन। मैच में रोमांच बरकरार अभी भी।
बहुत ही बढ़िया शॉट प्रीतम तारा। और उठा के मारा इसी बीच, वापस गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, लगातार दूसरा चौका। बहुत ही बढ़िया अमरावती टीम की तरफ से प्रीतम, मैंने पहले ही कहा था 10 बॉल 15 रन। अभी भी मैच 50-50 बैट का, दोनों टीम कोई भी मैच लेके जा सकता है। और उठा के मारा इसी बीच प्रीतम ने, दो दो प्लेयर बीच में, देखना है मैच होती है। और कैच इसी बीच में दोनों प्लेयर के बीच में गिरता, जिसका पूरा फायदा उठाया प्रीतम ने दो रनों के लिए। मुंदड़ा ब्रदर्स के संचालक राधु भाई मुंदड़ा का आगमन, उनको कहता हूँ मैं स्टेज पर जाए, मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन। उस पर बाद में कृषि कल्पतरु के संचालक गुप्ता जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ है, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ स्टेज पे पधारे। 11 बॉल 13 रन। और उठा के मारा इसी बीच सीधी गेंद जाते हुए, बढ़िया फील्डिंग का नजारा, इसी हाथ में दूसरे रन के दौड़ पड़े विशाल देशमुख, और इस हाथ में शायद आउट होते हुए अमरावती टीम को एक और बड़ा झटका। विशाल देशमुख के रूप में शायद एम्पायर डिसीजन। पूरा धारमदार प्रीतम के ऊपर साथ देने के लिए प्रवीण वान खड़े, जो कि लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। प्रवीण वान खड़े, प्रीतम पूरा धारमदार कंधे पे अपने लेके चलते हुए, दो दवाल पे दो चौके, दुक्का सिंगल। विशाल देशमुख कैप्टन थे, जो कि अमरावती टीम के रन आउट होके पवेलियन में लौटने के बाद में प्रवीण वानखड़े क्रीज पे अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। प्रीतम और उठा के मारा है गेंद सीधा सिमरे के पास, 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट प्रीतम द्वारा, काफी रोमांच मुकाबला, दोनों टीम अभी भी मैंने जैसे ही कहा था प्रीतम पूरा दारंदार लेके चलते हुए। 7 बॉल 13 रन। दोनों टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नमूना पेश किया था, 99 रन मारा था बनाना ब्लास्टर ने, 100 रन की जरूरत थी अमरावती को। पहली मैच में अमरावती की टीम ने, और उठा के मारा एक बार वापस से, देखना है कैच होती है और गेम 6 रनों के लिए। इसी साथ में अमरावती ब्लास्टर ने मैच जीत चुके हैं, और बढ़िया चार जागे। प्रीतम कोई नहीं, दूर दूर तक सिर्फ प्रीतम। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए प्रीतम ने ये दिखा दिया है।